Buzz. तो जैसा कि आप देख सकते हो, आज हमारे पास जो है चार बूट्स हैं, चेल्सी बूट्स। और ये सारे चेल्सी बूट्स जो हैं अमेज़न के बेस्ट सेलर्स हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं अपना बूट्स और बताते हैं आपको कि कैसा है हमारा बूट्स। तो ये देख सकते हो अपना सबसे पहला बूट, ये आता है फिनटेकिया की तरफ से। आई गेस प्रोनाउंस मैं सही कर रहा हूँ, यहाँ पे इनकी ब्रांडिंग की गई है। उसके अलावा इस पे कहीं भी जो है MRP वगैरह मेंशन नहीं की गई है, तो ये एक मुझे निगेटिव पॉइंट लगा। बाकी हम इसका प्रोडक्ट चेक करते हैं। तो ये जो है कुछ इस तरीके का पेपर आपको देखने को मिलता है, और ये देख सकते हो अपना बूट, और ये जो है ब्लैक कलर का है। इसके अलावा भी जो आपको कलर ऑप्शन देखने को इसमें मिल जाएंगे, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। तो ये जो है ब्लैक कलर में है, और इसका फिनिश आप देख सकते हो, लेदर फिनिश है। और यहाँ पे आपको स्टिचिंग वगैरह जो है बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। बट इसमें एक निगेटिव पॉइंट, यहाँ अगर आप सामने देखोगे तो इसमें जो है स्क्रेच वगैरह लगा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे जो है रबर का यूज किया गया है, मतलब कि जब भी आप इसे पहनोगे तो आपको जो है कंफर्टेबल फील होगा और पहनने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। पीछे जो आपको लेदर का ही पुल अप टैप देखने को मिलता है, और फिनिश जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छी की गई है। स्टिचिंग सारी जगह जो है बहुत ही अच्छी की गई है। उसके अलावा इनर सोल अगर आप देखते हो तो इनर सोल में जो है इनकी ब्रांडिंग की गई है। साइज जो है मैंने 8 सेलेक्ट किया है, जो कि और इनर सोल जो है काफी अच्छा दिया गया है। इसकी टो अगर आप देखते हो तो ज्यादा नोकीला भी नहीं है और ज्यादा राउंड भी नहीं है, मतलब कि मीडियम है। आपको जो है ये काफी अच्छा लगेगा। उसके अलावा सोल की अगर मैं बात करूं तो सोल जो है बहुत ही पतला दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो, और इनमें जो है ग्रिप वगैरह उतना ज्यादा नहीं होता है। ऑब्वियसली चेल्सी बूट है ये। बाकी ओवरऑल काफी अच्छा लगा मुझे, और इसका एक निगेटिव पॉइंट लगा, जो कि मैंने बताया कि यहाँ पे स्क्रेच लगा हुआ है। बात करें कि ये आपको अमेज़न पे कितने में मिलेगा, तो अंडर 1500 आपको आसानी से ये चेल्सी बूट देखने को मिल जाएगा अमेज़न पे। बात करते हैं अपने सेकेंड चेल्सी बूट की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है मेरा चेल्सी बूट, और ये आता है रेड टेप की तरफ से। यहाँ रेड टेप की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, और इस साइड जो है MRP इसकी मेंशन की गई है 7599 रुपीज, मतलब कि बहुत ज्यादा जो है MRP इनकी दी गई है। बाकी अगर हम खोल के आपको दिखाएं तो यहाँ जो है ये बटर पेपर देखने को मिलेगा, और ये देख सकते हो अपना चेल्सी बूट, मेरा फेवरेट बूट है ये। और इसे हम बाहर निकालते हैं, और इसे जो हम लोग टैन कलर बोलते हैं, इसमें ब्राउन मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा, जो भी आप चाहते हो इसमें देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा इसके फिनिश की अगर मैं बात करूं तो फिनिश जो है बहुत ही अच्छा किया गया है, स्टिचिंग वगैरह बहुत ही जबरदस्त है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टिचिंग भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि नॉर्मली हर बूट में आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेच भी हो रहा है, मतलब कि आपको पहनने में भी जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसके अलावा यहाँ पे पुल अप टैप आपको देखने को मिलता है। इनर सोल की हम बात करें तो इनर सोल में भी जो है रेड टेप की ब्रांडिंग की, और इनर सोल जो है इसका उतना ज़्यादा फ्लफी नहीं है, बट हाँ सही है। टो की अगर हम बात करें तो ये जो है राउंड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और अगर आप इसे फोल्ड करके देखते हो तो यहाँ जो है स्ट्रेच मार्क आ जाता है, तो ये आप देख लेना। अगर आप इसे अच्छे से रखोगे तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी मैंने चेक करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको बताई है। उसके अलावा आउटर सोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेड टेप की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और सोल भी जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, और काफ़ी सही है। इसका हाइट भी जो है नॉर्मली शूज से ज़्यादा है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस जो है अभी 1900 रुपये के करीब है। बाकी इस पे जो है कार्ड वगैरह लगा के आप इसे जो है 1700 के आसपास आसानी से परचेज कर सकते हो। तो ये है हमारा थर्ड चेल्सी बूट, और ये जो है वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल चेल्सी बूट है, जो कि आता है अमेज़न ब्रांड सिम्बॉल की तरफ से। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है इनकी ब्रांडिंग की गई है, और इस साइड जो इसकी MRP मेंशन की गई है वो है 2299 रुपीज। और इसे अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो यहाँ सिम्बॉल का जो है पेपर देखने को मिलेगा, और ये देख सकते हो अपना चेल्सी बूट, ये जो आपको मिल जाएगा 700 से 800 के बीच। और इसमें भी आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ एक प्राइस टैग दिया गया है, जो कि आप देख सकते हो सिंबल का। और बात करते हैं इसके कलर की, तो ये जो है टैन कलर में है, ब्राउन टैन कलर इसे आप बोल सकते हो। तो इसे निकालते ही जो है ये मुझे डैमेज दिख गया, यहाँ पे जो है ये डैमेज है शूज, और यहाँ पे भी जो है कहीं कहीं स्क्रेच लगा हुआ है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। पता नहीं ये सारी चीज मेरे साथ ही होता है या किसी और भी क्रिएटर के साथ। बाकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है बहुत सारे क्रिएटर की, और मेरे से सीनियर जो है सब जो है इस चेल्सी बूट का बहुत ज़्यादा बराई करते हैं। बाकी मुझे जो है पर्सनली ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे पास जो है ये डैमेज प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है। और दूसरा अगर आप देखोगे तो ये दोनों जो है दो डिफरेंट चेल्सी बूट है। इसमें देखोगे तो यहाँ सामने जो है ब्लैक कलर का फेड है, बट इसमें जो है प्लेन है, तो कलर डिफरेंस भी है। तो ये एक निगेटिव पॉइंट मुझे लगा, और दूसरा जो है डैमेज है।
उसके अलावा बात करते हैं इसकी स्टिचिंग की, तो स्टिचिंग जो है अच्छी की गई है और फिनिश में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे नजर आई। उसके अलावा अगर मैं इनर सोल अगर आपको बताऊं, यहाँ पे जो है साइज वगैरह लिखा गया और इनर सोल जो है काफी अच्छा है, इनर सोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये जो है स्ट्रेच भी अच्छा खासा हो रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। उसके अलावा इसमें जो आपको पुल अप टैब भी देखने को मिलता है और ये जो है मैंने पहनी नहीं थी, बाकी इसकी फिटिंग कैसी होगी वो क्लिप आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ भी जो है डैमेज दिया गया है, मतलब कि मुझे लग रहा है ऐसा कि यूज्ड प्रोडक्ट है ये। बाकी दोनों का कलर भी डिफरेंट है, ये भी एक निगेटिव पॉइंट है, तो मुझे इसमें बहुत सारी निगेटिव पॉइंट नजर आ रही है। बाकी ये जो है अमेजोन पे आपको अंडर 800 आसानी से मिल जाएगा और अगर आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। और मैं क्या ही बोल सकता हूँ, आपको जो अच्छा प्रोडक्ट मिले यही बोलूंगा, बाकी मुझे तो अच्छा नहीं मिला। और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो। बात करते हैं अपने फोर्थ एंड फाइनल चेल्सी बूट की, जो कि अमेजोन पे बहुत ज्यादा सेल हो रहा है और ये जो है तीनों से डिफरेंट है। बाकी हाँ, यहाँ पे जो इसकी एमआरपी मेंशन की गई है वो है 3499 रुपीज और ये भी जो आपको मिल जाएगा 1500 के आसपास। बाकी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये देखो, तो ये मैट फिनिश है, आप इसे टच करके फील कर सकते हो कि ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मुझे जो है थोड़ा सा ये डिफरेंट लगा, जैसा कि आप देख सकते हो इसका कलर जो है कहीं ज़्यादा डार्क है कहीं लाइट है, तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पता नहीं कितने दिन चलेगा। और इसे जो है स्पेशली आप पानी वगैरह से तो बचा के ही रखना अगर आप इसके लिए जा रहे हो तो। बाकी हाँ, ये जो है मैट फिनिश है और काफ़ी सही लगता है देखने में। मैंने जो है पहना था, आपको यहाँ क्लिप देखने को मिल जाएगी, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। बाकी हाँ, यहाँ ये भी जो है स्ट्रेच हो रहा है, पीछे पुल अप टैप देखने को मिलता है और इनर सोल की अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत ही अच्छी दी गई है और इनकी ब्रांडिंग इसके अंदर देखने को मिलेगी और यहाँ पे स्टिचिंग वगैरह भी जो है काफ़ी अच्छी की गई है। सोल भी जो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है इनका नॉर्मली जो चेल्सी बूट होते हैं उससे, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी है। दूसरा ये कि यहाँ इनके सोल में मुझे थोड़ा सा डिफेक्टिव नज़र आया और ये पर्सनली मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि अगर आप बारिश वगैरह में गलती से भी ये भीग जाता है तो आराम से जो है सड़ जाएगा, मतलब कि ये ड्यूरेबल नहीं है। तो मैं इसके लिए रिकमेंड आपको ऑब्वियसली नहीं करूंगा। बाकी हाँ, अगर आपको मैट फिनिश पसंद है, आप इसकी केयर कर सकते हो, तो आप इसके लिए जा सकते हो। लुक वाइज बहुत अच्छा था। और ये था हमारा चारों चेल्सी बूट जो लोग बोल रहे थे, तो ये आप लोगों के लिए वीडियो था। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और आप मुझे चाहो तो नेक्स्ट वीडियो की सजेशन भी दे सकते हो। और इनमें से कोई भी परचेज करना चाहते हो तो नंबर वाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।